माता पार्वती जी ने भगवान शंकर का कैलाश पर करा और वो जल का और शिव जी के साथ में जब शिव जी का अभिषेक कर रही थी, जो ये ब्राह्मण देवता अभिषेक कराते हैं, जल के अंदर थोड़ा सा दूध डालकर इसका प्रमाण क्या है, जल के अंदर दूध डालकर अभिषेक करने का प्रमाण क्या? सबसे पहला अभिषेक कैलाश धाम पर जब माता पार्वती जी ने शंकर का करा था, भगवान शिव का करा था, तब गौघड़दानी का अभिषेक करते समय जल में सुंदर गौ माता के दूध का भाग धारण करा कर फिर करा था। क्यों? क्योंकि पार्वती जी शिव जी के स्नेह में हृदय में रहना चाहती थी। आज भी नियम है, जल के अंदर दो बूंद दूध की डालकर अगर शिव को चढ़ाया जाता है तो स्त्री और पुरुष में कभी अदालत तक बात नहीं पहुंचती, उनका प्रेम बढ़ता चले जाता है, कभी तलाक नहीं हो सकता। जल के अंदर दूध हो, काय के अंदर, जम के बोलो जरा, जल के अंदर दूध हो, दूध के अंदर जल, फिर समझ लेना अच्छे से। जल की मात्रा ज्यादा हो, दूध की मात्रा कम हो, थोड़ा सा मात्रा, इसलिए पानी भर पानी में थोड़ा सा दूध ब्राह्मण देवता डाल देते हैं, अभिषेक करा तो वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, इसी तरह के और भी उपायों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।